जो एक छात्र होता है वो छात्र का धर्म क्या होता है। तो एज अ धर्म गुरु, धर्म शिक्षा को आप सभी लोग, जैसे मैं अभी सुन रहा हूँ यहाँ पे और मैं सबको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे ही कहना चाहूंगा कि राकेश भगुना आप मुझे बताओ, बोलिए छात्र धर्म क्या है, बोलिए। कल मेरा एक सब्जेक्ट भी था, ऋषि रंजन बताओ, ऋषि रंजन बताएंगे, जी बताइए महाराज। गुरु जी, बोलिए। छात्र के धर्म है गुरु जी की आज्ञा मानना, आज्ञा का पालन करना और गुरु जी के निर्देश मतलब निर्देश पर आदेश पर चलना, जिसे मार्गदर्शन करे उसी मार्ग पर चलना। ठीक, देखो ये ऐसा कब कर पाओगे, जब आप गुरु को सही से स्वीकार कर पाओगे, ये सब ऐसा सब कर पाओगे आप। सबसे बड़ी समस्या तो पता है क्या है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आप लोग किताबों के पास ही नहीं बैठ रहे हो। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आज जो क्वेश्चन आप मुझसे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो, कब कहाँ से आता है, कैसा आता है, कि एक ही धर्म के अलग क्वेश्चन आते हैं, कि अलग धर्म के क्वेश्चन आते हैं, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत हल्के क्वेश्चन है। मुझे ऐसे समझ में आता है कि आप लोगों का पढ़ाई का भी लेवल क्या है, आप कितने मार्गदर्शित हो, ठीक है, आप कैसे किसी व्यक्तियों के संपर्क में आए हो, आपने कहाँ कहाँ से नॉलेज लिए, मैं समझ सकता हूँ एक टीचर होने के नाते। तो सबसे पहले तो देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, पढ़ाई करना आसान है, शिक्षा ग्रहण करना आसान है, आप अच्छे से पढ़ाई करके पेपर पास कर लोगे आसान है, लेकिन उस पेपर को पास करने के लिए आपको सही मार्गदर्शन कितना ग्रहण कर सकते हो, कितना ले सकते हो, वो कठिन है, ठीक है। तो अपने आप को तैयार करना कठिन है, आपको विसंगतियों से दूर रहना कठिन है। जैसे आज सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारी, मोबाइल। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भैया RTGCO का आप लोगों को ये बहुत अच्छा मौका मिला है भाई, ठीक। कई लड़के मेडिकल में बाहर हो गए, कई फिजिकल में बाहर हो गए, कई के पास अभी क्वालिफिकेशन नहीं है। कई बंदे मुझे कम से कम दिन में 100 बंदे फोन लगाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, सर हमने BSc किया, हमने BTech किया है और मेरा एक ही सपना है मैं आर्मी धर्म गुरु बनूँ, वो ऐसा बोलता है, इतनी खुशी के साथ बोलता है, लेकिन जब क्वालिफिकेशन देखता है दुखी हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि आप लोगों का जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध था, उसके कारण आप आज योग्य हो, आपके पास क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल सही लाइन में, लाइफ लाइन सही है आपकी अभी उसके हिसाब से। तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें 100% इसका फायदा उठाना है इस चीज का, कि दो 171 वैकेंसी हैं और ये 171 वैकेंसी पूरी जाना चाहिए भरकर इस बार। ऐसा कभी हुआ नहीं कि आज तक पूरी वैकेंसी भर के चली गई, वैकेंसी आधी खाली हो जाती है। आपको लग रहा है 171 है, मुश्किल से लड़के 100 ले लेंगे वो, ठीक है, 120 लड़के मिलेंगे उनको, मकान इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे, छोटी छोटी चीजें नहीं पता होगा उनको। तो इसलिए मैं कंटिन्यू इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों से, निस्वार्थ भाव से, कि कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार वैकेंसी भर कर जाए, कि देश की भी पूर्ति हो जाए, राष्ट्र की भी पूर्ति हो जाए और हमको भी खुशी मिले कि हमारे थ्रू, एकेडमी के थ्रू बंदे आर्मी ज्वाइन की है बंदों ने, संस्था का भी नाम, संस्था को भी गर्व महसूस होगा। हम भी कह सकेंगे, अपना फोटो लगाएंगे आप लोगों का अपने कैलेंडर में, कि ये बंदे हमारी एकेडमी से संबंधित थे और ये बंदे आर्मी में लगे, हमको इतना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है। एक बार मौका मिला है, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की समस्याएं, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे भी होंगे, फाइनेंशियल स्थिति भी होगी खराब आप लोगों की, ठीक है। जैसे अभी एक भाई बोल रहा था, तो क्योंकि आपकी 25 से 35 की उम्र होती है ये ग्रस्त में आ जाती है ना, और ग्रस्त जो उम्र होती है इसकी आयु सीमा बढ़ चुकी है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी 65 चल रही है एवरेज देखा जाए, वैसे हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से 50 ही थी, लेकिन 50 के ऊपर निकल गई है। उपन्यास जो आपका जो संन्यास आश्रम तो गायब ही हो गया है, संन्यास आश्रम तो पहुंच पहुंचे हम लोग थक जाते हैं और निकल लेते हैं, मुझको तो समय नहीं मिलता हमको मुझ प्राप्त करने का। तो इसलिए बोलते हैं कि समय की इज्जत करो, मैं इस धर्म के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, समय की इज्जत करो, ठीक है, ध्यान रखो सब लोग। इसके बाद में लेक्चर नहीं दूंगा फिर, ठीक है, फिर मैं अपना काम करूंगा। तो सब लोग लड़के सुन रहे हैं, इसका ध्यान रखो कि आप लोगों को अभी भी, चलो जितना होगा उतना मैं कर दूंगा आप लोगों को, जितनी भी मेरी कैपेसिटी होगी वो मैं आप उस उतना मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। आपका काम है कंटिन्यू एकेडमी से जुड़े रहना, एकेडमी से सही मार्गदर्शन लेना, जो सिलेबस आपके पास नहीं है तो वो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सर इस सिलेबस के अंतर्गत मुझे नोट्स चाहिए। और देखो फिर वही बात फिर आ गई कि आप थोड़े से लालच में आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हो, ठीक है। जिन बंदों को एडमिशन लेना था, जिन बंदों को पढ़ना था, उन्होंने बेझिझक बेचारों ने कहीं से भी कुछ भी करके अपना एडमिशन लिया, वो कंटिन्यू पढ़ाई में है, कंटिन्यू कॉन्टेक्ट में है, नोट्स में लगा है, वो अपना अध्ययन कर रहे हैं, मेरे साथ सत्संग में जाते हैं, 2-3 घंटे हम लोग पढ़ाई करते हैं, सब लोग शिक्षा लेते हैं अकेडमी से। तो पढ़ने वाले ऐसे होते हैं, देखो आपको 100% सुविधा तो कहीं नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, आपको समस्याओं के साथ जीना सीखना होगा, समस्याएं आपके साथ में हमेशा रहेंगी। आप सोचो कि मुझे अच्छी कोचिंग मिल जाए,
मेरे पास कहीं से थोड़ा सा पैसा आ जाए तो मैं ऐसा कर लूंगा, या मेरे पास सुविधाएं फैसिलिटी बढ़ जाए तो मैं ऐसा कर लूंगा, अच्छी बुक आएगी तभी मैं पढ़ूंगा, तो फिर आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि 100% तो सुविधाएं किसी को नहीं मिली आज तक। आपको इन समस्याओं के साथ ही सफल होना है, और वो स्मार्ट वर्क वही होता है, स्मार्ट लोंडे वही होते हैं जो हकीकत में इन समस्याओं से के रहते हुए भी वो अपना कार्य करके आगे निकल जाते हैं। कई बंदे मैंने ऐसे देखे आरडीजीसीओ में जिनके पास पूजा पाठ के अलावा कोई चारा नहीं था बेचारे, जमीनें भी पंडितों के पास जमीन तो है ही नहीं आजकल, बहुत कम है ना, मंदिरों से गुजार करते हैं अपना, थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, कथा बांस लेते हैं। तो ऐसे ऐसे बंदे वर्दी पहने के बड़ी 70,000 रुपये पेमेंट मिलता है उन बंदों को। मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे कई बंदे, कभी मैं इंटरव्यू कराऊंगा जब छुट्टी उट्टी आएंगे तो, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कभी आपकी जगह थे और आज वो वहां पर है, क्यों? क्योंकि उन्होंने समस्याओं से समझौता नहीं किया, समस्याओं से कंफर्ट जोन में नहीं गए, वो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, चलो ठीक है समस्या है, लेकिन उन्होंने 75% फोकस किस पर रखा? अपनी शिक्षा पर रखा ऐसी समस्याओं में, ठीक है। तो उन्होंने शिक्षा को टारगेट बनाया और 25% अपनी समस्याओं को, उनकी रहते हुए बीच में उन्होंने 75% माइंड अपना परीक्षा पर फोकस रखा। देखो आप लोग, अब क्या करना है ध्यान रखो, आपने मुझे पता है कि मान लो अभी पेपर हो जाए तो क्या कर लोगे? आप मुझसे पूछते हो पेपर कब है, मैं बोलूंगा 29 को है चलो, और मान लो 29 को आ भी गया, क्या कर लोगे तुम? ये सोच के रखो कि पेपर की डेट नहीं पूछना है आपको, आपको ये पूछना है कि सर मेरा ये सिलेबस इतना कंप्लीट हो चुका है और मुझे इसमें समस्या आ रही है, मुझे इसको कंप्लीट करना है, ये वाला हिस्सा, ये सिलेबस इतना मेरा कंप्लीट हो चुका है, आपको ऐसी बात करनी चाहिए, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग 5 घंटे भी नहीं पढ़ रहे होंगे, कई बंदे 15 घंटे भी पढ़ रहे हैं, मुझे भी पता है ना, डेली प्रतिदिन। तो जो 15 घंटे पढ़ रहे हैं और जो 5 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो सोचो उनका फिर उन्हीं का कॉम्पिटिशन होना है आपस में, तो 15 घंटे तो क्वालीफाई हो ही जाएगा वो, और जिसने 5 घंटे भी नहीं पढ़ा होगा वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, फिर वो बहाने बनाएगा, अपनी कमजोरी अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेगा, झूठ बोलेगा घर पर जाके कि 2 नंबर से रह गया, ये रह गया, वो रह गया, अरे मुझे जुआड़े चल रहे हैं, पैसा चल रहा है, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा,